वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंपेयर करेंगे हम लोग नेशनल पार्क से, कि कैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होता है नेशनल पार्क से डिफरेंट होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे फ्लोरा और फौना दोनों के एक प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल पार्क भी सेम होता है, लेकिन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस रहता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किसी को रहने का अलाउ होता है, कि कोई भी जो वहां का लोकल हैबिटेट है वो रह सकता है, लेकिन वो एनिमल्स को या जो आपके प्लांट किंगडम है उनको डैमेज नहीं करेगा। लेकिन नेशनल पार्क मतलब ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें किसी को रहने का अलाउ नहीं होता है। वो टोटली क्या होता है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे वाइल्ड एनिमल्स या जो प्लांट्स है उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, वो बाउंडेड रहता है। 90,000 एनिमल स्पीसीज, अगर हम बात करते हैं इंडिया में एनिमल स्पीसीज की, तो नियर अबाउट 90,000 एनिमल स्पीसीज इंडिया में लाइज करते हैं, और 2,000 बर्ड्स, 2,000 डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स इंडिया में लाइज करते हैं। अब एक बात जान लेंगे हम लोग कि इंडिया में सुटेबल कंडीशन होता है, इसके चलते बहुत सारे जो बर्ड्स है यूरोप से माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं। भरतपुर में साइबेरियन क्रेन जो आता है आकर के रहता है पार्टिकुलर सीजन में, सितंबर टू मार्च तक। तो एक सुटेबल कंडीशन होने के चलते एक तो यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स है, साथ ही साथ माइग्रेट करके भी बहुत सारे बर्ड्स वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से इंडिया में आते हैं। 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश, फिश की कितनी स्पीसीज है, 2,546 फिश की स्पीसीज है इंडिया में। और हम बात करते हैं 5-8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, वर्ल्ड के टोटल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के कंपेयर में 5-8% जो है वो इंडिया में अकेले पाया जाता है, और वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो 3.58% इंडिया में वाइल्ड लाइफ। अब यहां पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ कहां पर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनिमल जो इंडिया में लाइज करते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। एग्जाम्पल के लिए चीता, जो 1962 से पहले इंडिया में लाइज करता था उसके बाद से वो एक्सटिंक्ट हो गया। इंडिया में जो आपको चीता ये सब देखने को मिलते हैं वो बाहर से लाए गए रहते हैं, जिसको हम जू ये सब में रखते हैं, लेकिन इंडिया का जो नेचुरल चीता होगा वो नहीं है। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट जान लेंगे हम लोग कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। सबसे कमजोर लायन होता है जिसको हम एशियाटिक लायन बोलते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग टाइगर होता है बंगाल टाइगर जो सुंदरबन डेल्टा वाले रीजन में पाया जाता है। तो इस पार्ट में हम लोग ओनली वाइल्ड लाइफ करेंगे, नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरीज इसको अलग पार्ट में करेंगे, ठीक है। अब लोकेशन थोड़ा सा जान लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। अगर बात करें तो रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड एस मतलब रन ऑफ कच्छ क्या है, अगर बात करें कच्छ की तो कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और जो यहां के एस होते हैं वाइल्ड एस इसको बोलेंगे हम लोग, जिसको बचाने के लिए एक एडवर्टीजमेंट भी आ रहा था अमिताभ बच्चन का। वाइल्ड एस कहां पे, गुजरात रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। डालमा जो है एलिफेंट, यहाँ पे देखिए कौन सा जानवर वहां पे प्रिजर्व मतलब रखा गया है, और साथ ही साथ वो किस स्टेट में है, एक क्वेश्चन आता है। तो डालमा जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम है, एलिफेंट एनिमल है, और ये झारखंड में है। अगर हम वायनाड की बात करते हैं तो ये टाइगर है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो टाइगर एक कहा है वायनाड केरला में, जहां से राहुल गांधी सांसद है एमपी है। याद करने के लिए कुछ ट्रिक रखेंगे, हजारीबाग यहाँ पे देखिए चितल नीलगाय और सांबर जैसे एनिमल्स को रखा गया। गांधी सागर एक डैम है रिवर चंबल पे, और इस पे बार्किंग डियर और चिंकारा है, स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। भीम, अब यहां देखिए भीमबाग सेंचुरी जो है वो मुंगेर में है, मुंगेर बिहार में, ठीक है। मानस सेंचुरीज, मानस और काजीरंगा दो फेमस है। मानस सेंचुरी किसके लिए, मानस सेंचुरी बारपेटा और एक आसाम में है। अगर हम बात करते हैं सीतांदी की तो ये छत्तीसगढ़ में है। यहां देखिए नंदा सेंचुरी जो है अदिबांग है और मेहाऊ है, ये कहां पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। एक बार माइंड में लॉक कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट काफी है, साथ ही साथ वाटर भी अवेलेबल है, जिसके चलते सेंचुरीज बनाना ज्यादा इजी है।
सेंचुरीज बनाना मतलब उनके लिए प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करना, क्योंकि फॉरेस्ट है साथ ही साथ नेचुरल हैबिटेट रहेगा, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। पंचमारी सेंचुरी जो है होशंगाबाद, किस चीज के लिए फेमस है होशंगाबाद, तो यहाँ पे नोट का प्रिंटिंग होता है और ये मध्य प्रदेश में है। तो जैसे भी कोई टॉपिक करेंगे इससे रिलेटेड अगर कोई भी टर्म आएगा तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। गुंडला परमेश्वर जो है, कृष्णा एंड गुंटूर है, श्रीलंका महालेश्वर है और पापीकोंठा है, ये चारों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, यानी आंध्र प्रदेश भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक मेजर रीजन है। कैमूर, वाल्मीकि नगर, राजगीर, भीम बांध, बरकी भीम बांध और गौतम बुद्धा, ये क्या है, ये फेमस आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां पे है, ये आपके बिहार में है। तो अगर हम इसको एक बार लिस्ट आप बना लीजिएगा, इसके साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी दिया हुआ है, आप पीडीएफ भी देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रख भी सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप पूछिएगा, इस एक लिस्ट देख लीजिए कि किस स्टेट में कौन सा है, इसके साथ साथ कितनी स्पीसीज पाई जाती है और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म मैंने बताया है, क्योंकि वीडियो ये छोटा रहेगा, इसमें सारे पार्ट मैं सेपरेट कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अलग, नेशनल पार्क अलग, बर्ड सेंचुरीज अलग, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।